अगर इंसान कड़ी मेहनत करे तो वो क्या नहीं हासिल कर सकता, इसका आज फिर से कई उदाहरण देखने को मिला है। एमपी बोर्ड का 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आ चुका है। इस रिजल्ट में मध्य प्रदेश के ग्वालियर की बेटियों ने कमाल ही कर दिया है। ग्वालियर के सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर इन लड़कियों ने राज्य के टॉप स्कूल के बच्चों को कड़ी टक्कर दी है। हम बात कर रहे हैं ग्वालियर की श्रुति और दिव्या की। श्रुति ने मध्य प्रदेश में जहां 8वां तो दिव्या ने 12वां स्थान हासिल किया है। इन दोनों ने ही इस साल के 12वीं बोर्ड रिजल्ट में राज्य में टॉप 10 में अपना नाम दर्ज करा दिया है, जिसके बाद से इन दोनों की हर तरफ चर्चा हो रही है। दोनों ही लड़कियों ने कठिन हालातों में बिना हार माने डट कर पढ़ाई की है। सबसे पहले बात करते हैं दिव्या की, जिन्होंने 12वीं के बोर्ड में 5वां स्थान हासिल किया है। दिव्या की सफलता से उनके परिवार में काफी ज्यादा खुशी का माहौल है। दिव्या के रिजल्ट को लेकर खुशी जताते हुए दिव्या के पिता राजेश भिलवार ने बताया कि उन्होंने सब्जी बेचकर बेटी को पढ़ाई करवाई है। जब उन्हें दिव्या के रिजल्ट का पता चला तो उस समय उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। बेटी की इस सफलता के कारण उनका सीना फक्र से चौड़ा हो गया है। राजेश का कहना है कि दिव्या की उपलब्धि पर उनके साथ साथ पूरे परिवार को खुशी है। आपको बता दें कि दिव्या ने बिना किसी कोचिंग के दिन रात मेहनत करके मध्य प्रदेश की मेरिट में स्थान हासिल किया है। दिव्या का सपना है कि कलेक्टर बनकर बेटियों के लिए कुछ करना चाहती है। उसका कहना है कि वह आईएएस अफसर बनने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत कर पढ़ाई करेंगी और अपना मुकाम हासिल करेंगी। वहीं 12वीं के बोर्ड में 8वां स्थान पाने वाली श्रुति गौतम की माँ का कहना है कि मेरी बेटी ने मेहनत की और आगे भी करेगी, उसकी इसी मेहनत से उसका कलेक्टर बनने का सपना पूरा होगा। आपको बता दें कि श्रुति ने कला समूह में एमपी की मेरिट में 8वां स्थान पाया है। श्रुति ने 500 में से 479 अंक हासिल किए हैं। श्रुति ने भी दिव्या की ही तरह बिना किसी कोचिंग के दिन रात कड़ी मेहनत कर एमपी की मेरिट में स्थान बनाया है। श्रुति भी कलेक्टर बनकर समाज के लिए काम करना चाहती है। खास बात तो ये है कि श्रुति के पिता एक ऑटो चालक हैं। श्रुति की इस खुशी से पूरा परिवार और स्कूल का स्टाफ बेहद ज्यादा खुश है। आपको बता दें कि 24 अप्रैल को मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने एमपी बोर्ड रिजल्ट के साथ ही 10वीं और 12वीं टॉपर लिस्ट और पासिंग परसेंटेज भी जारी कर दिया था। मध्य प्रदेश कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा में रीवा की अंशिका मिश्रा और विदिशा की मुस्कान दांगी ने टॉप किया है। अंशिका को 500 में से 493 अंक मिले हैं, वहीं मुस्कान दांगी को 500 में से 493 अंक मिले हैं। खैर, इस खबर में इतना ही। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन।